All right, welcome all of you in the training of color cosmetics. And today's training will be, jo aaj ki training hogi, that will be with our luxurious brand, with our high-end brand, jise hum Jodani Gold kehte hain. And aaj ki training ka jo hamara language rahega, wo Hindi and English mix rahega. It will be more of a Hinglish language, so that sabke liye samajhna bahut aasan ho. All right, so आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पर बेसिक कलर कॉस्मेटिक की ट्रेनिंग है, लेकिन दिस ट्रेनिंग विल बी रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर कैटेगरी जो कि हमारी प्रीमियम कैटेगरी के नाम से जानी जाती है. सो लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू वन थिंग दैट ओरिफ्लेम के अंदर तीन ब्रांड्स हैं कलर कॉस्मेटिक्स के. फर्स्ट इज द प्रीमियम ब्रांड जिसे हम जोडानी गोल्ड कहते हैं. सेकेंड इज इकोनॉमी ब्रांड जिसे हम द वन कहते हैं. थर्ड हमारा आता है बेसिक ब्रांड जिसे हम कहते हैं कलर बॉक्स, जो कि अब ट्रांसफॉर्म होकर हो गया है, जो कि पूरी तरह से चेंज हो गया है, और उसका नाम है ऑन कलर. ऑल राइट, सो आप सबके जो भी क्वेश्चन हैं आप चैट में मुझे भेजिए, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगी, बट एट द एंड. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर ट्रेनिंग. आई होप पूरी तरह से आपको मेरी आवाज आ रही है और आपको स्क्रीन दिख रही है. आवाज नहीं आ रही है किसी को तो हो सकता है ये प्रॉब्लम रिलेटेड टू नेट हो, लेकिन मेरे यहाँ पूरा नेटवर्क कनेक्शन है. ऑल राइट, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. प्लीज अपने अपने कनेक्शन देख लीजिए अगर किसी के यहाँ आवाज नहीं आ रही है तो. ऑल राइट, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद आवर ट्रेनिंग. हियर वी गो विद द जोडानी गोल्ड कलर कॉस्मेटिक ट्रेनिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू ऑल नो कि ओरिफ्लेम एक स्वीडिश कंपनी है, स्वीडन की कंपनी है, और स्वीडन में जिस ब्यूटी के जिस कॉन्सेप्ट पे बिलीव किया जाता है, माना जाता है, वही कॉन्सेप्ट इंडिया में भी और हर जगह जहां जहां ओरिफ्लेम है उसी कॉन्सेप्ट को मानते हैं, बिलीव करते हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. तो इसीलिए वो सारे लोग जो ओरिफ्लेम के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो कंसल्टेंट्स हैं, वो इम्प्लॉय हैं, आप किसी भी तरीके से ओरिफ्लेम के साथ जुड़े हैं, आपको आपके लिए बहुत जरूरी है समझना ब्यूटी बाय स्वीडन का क्या मतलब है. सो सिंपल वर्ड्स में आज आप सबको मैं समझाऊंगी कि ब्यूटी बाय स्वीडन एक्चुअली होता क्या है. ब्यूटी बाय स्वीडन का मतलब है लीडिंग अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ, हैविंग अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ, feel beautiful not only from outside but from inside as well, leading and living a very healthy lifestyle, not only giving a healthy beautiful lifestyle to yourself but to your family as well. Aur usi ke liye, is tarah ki lifestyle ko jeene ke liye, ek confident, ek successful, ek healthy, ek beautiful lifestyle jeene ke liye Oriflame aapko teen tarah ki categories ke product deta hai. मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट देता है, स्किन केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट देता है, और वेलनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट देता है. इन तीनों कैटेगरीज के बेसिस पर आप अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल और हेल्दी बना सकते हो, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हो, और इन्हीं प्रोडक्ट के साथ में आप अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा सकते हो. और ये प्रोडक्ट्स जब बनाए जाते हैं, इन प्रोडक्ट्स का बेस, इन प्रोडक्ट्स का आधार, दीज प्रोडक्ट्स आर बेस्ड अपॉन थ्री मेजर पिलर्स, थ्री मेन पिलर्स, एंड दैट इज नेचर, साइंस एंड ट्रेंड्स. सो ये प्रोडक्ट्स का बेस ही नेचर है. दैट मींस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है विदाउट हार्मिंग नेचर. नेचर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं हम जब हम नेचुरल इंग्रेडिएंट का यूज करते हैं. हम साइंस को भी साथ लेकर चलते हैं. साइंस को साथ लेने का मतलब है, सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि हमारा 50 साल पुराना SRI जिसे हम कहते हैं स्किन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि स्टॉकहोम में है. हमारा अपना R&D सेंटर है जो कि डबलिन में है. यहाँ नए फॉर्मूलास का, नए टेक्सचर्स का इन्वेंशन होता है, नई नई टेक्निक्स का इन्वेंशन होता है. तो नेचर और साइंस की जुगलबंदी से हम अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं. नेचर और साइंस की बेनिफिट को हम अपने प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ताकि आप तक एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन प्रोडक्ट पहुंचाया जाए. ना ही सिर्फ ये, हम ट्रेंड्स को भी फॉलो करते हैं. जो भी मार्केट में ट्रेंडिंग है इस समय, जो बहुत ज्यादा शेड्स ट्रेंड कर रहे हैं, कुछ टेक्सचर्स ट्रेंड कर रहे हैं, पैकेजिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे वो सभी शेड्स एंड टेक्सचर्स एंड जो भी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है, वो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे कलर कॉस्मेटिक्स में लाने.
बनाने की, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, जानते भी हैं, बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं। इसके अलावा हम उन ब्यूटी ट्रेंड जो सेलिब्रिटीज हैं जो कि ट्रेंड करती हैं ब्यूटी में, उनके साथ भी एसोसिएट करते हैं ताकि आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट पहुंचे तो वो एक ऐसा प्रोडक्ट हो जिसको समझना आपके लिए मुश्किल ना हो, जिसको सेल करना भी आपके लिए मुश्किल ना हो, और आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो उसको यूज करने में, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स का जो मेन आधार रहता है, दैट इज जो इसका मेन बेस रहता है, दैट इज नेचुरल इंग्रीडियंट्स। So this is what first slide is telling you. Beauty by Sweden, having a beautiful, healthy, successful life, having a very beautiful personality, confident personality, and for that, Oriflame जो आपको product देता है, वो skincare, makeup और wellness से related देता है, यही वो categories हैं जो आपको इस तरह की lifestyle जीने में मदद करती हैं, और इन्हीं product का जो base रहता है, that is natural ingredients, innovative and safe formulas, and trendy, जो भी trend कर रहा है, उन सब वो सारे प्रोडक्ट्स आपको इन इस पूरे एक पोर्टफोलियो में दिखते हैं। दिस इज व्हाट ब्यूटी बाय स्वीडन इज। सो आई होप फर्स्ट स्लाइड आपको पूरी तरह से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो येस और नो में जवाब दीजिए, सो दैट वी मूव अहेड, हम आगे चले नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑल राइट, थैंक यू। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, आई ऑलवेज टेल, मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहती हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है आप सबके समझने के लिए। वाई आई से दिस, मैं क्यों कहती हूँ, जैसा कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेफ्टी आर हाईएस्ट प्रायोरिटी। सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा हम इसी पर मेन फोकस करते हैं, एंड दैट इज सेफ्टी। हम यहाँ किसकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं? हम यहाँ सेफ्टी की बात कर रहे हैं हमारे उन कंज्यूमर्स की सेफ्टी, हमारे उन लोगों की सेफ्टी जो कि यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स को, और साथ ही साथ नेचर की सेफ्टी। तो यहाँ हम दो सेफ्टीज की बात कर रहे हैं, एक नेचर, एक वो मेरे सभी कंज्यूमर्स जो कि हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स जब बनाए जाते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने में हम फॉलो करते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन में 6 स्टैंडर्ड्स दिख रहे हैं, इन 6 स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं। कोई भी और कंपनी इन स्टैंडर्ड्स के बारे में कभी बात नहीं करती है, कोई भी और कंपनी सेफ्टी को अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं मानती है, लेकिन ओरिफ्लेम सबसे पहले बात करता है सेफ्टी की। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने आपको फिर से रिपीट करी हूं, सेफ्टी ऑफ आर कंज्यूमर्स, उनकी स्किन की सेफ्टी और सेफ्टी ऑफ द नेचर। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इको एथिकल स्क्रीनिंग की, जो हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड है। इको एथिकल स्क्रीनिंग का मतलब है कि जब हम अपने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, वी मेक श्योर कि वो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू गए हो, जिससे कि उनकी क्वालिटी, उनकी सेफ्टी और उनके सोर्स का हमें पता लगे। हम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रॉ मटेरियल लेते हैं, हम सेफ्टी उन रॉ मटेरियल की जरूर देखते हैं कि क्या वो सेफ हैं, क्या वो अच्छी तरह से स्क्रीन होकर हम तक पहुंचे हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स लेने में कहीं नेचर को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, कहीं ऐसा तो नहीं है हनी बी एक्सट्रैक्ट लेने में हनी बी के हाइव्स को ही खत्म कर दिया है, यू नो व्हाट आई मीन। या फिर अगर मैं कह रही हूँ कि हमारे प्रोडक्ट में जैतून का तेल है, ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट है, दैट डजंट मीन दैट वी हैव यू नो हार्म द प्लांटेशन ऑफ ऑलिव्स एंड देन टेकन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर हर्ब और शर्ब और एनी प्लांट। ऑलराइट, सो हम इको एथिकल स्क्रीनिंग में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। दैट मींस जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को बनाने में, उनका सोर्स बहुत ही सेफ होना चाहिए, वो बहुत ही सेफ तरीके से लिया गया होना चाहिए। नेक्स्ट आता है नेचुरल एक्सट्रैक्ट। हम नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स का यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। नाउ नेचुरल एक्सट्रैक्ट, जैसा कि आप सबके सामने प्रूवन है, आप सबने देखा है और आप सबने ट्रेनिंग्स भी ली हैं और यूज भी किया है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स को, वो सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर बेस है। द सेम वे कलर कॉस्मेटिक्स भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट, कलर कॉस्मेटिक्स में भी नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स का यूज होता है, ताकि आपकी स्किन में हम ना ही सिर्फ आपकी स्किन को मेकअप से, आपकी स्किन के फ्लॉज को हम हाइड कर सके, बट एट द सेम टाइम हम केयर भी दे सके आपके आपकी स्किन को थ्रू नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स। तीसरा आता है नेचुरल एक्सफोलिएंट्स। एक्सफोलिएंट का मतलब है स्क्रब, एक्सफोलिएट करना, स्क्रब करना, किसे? अपनी स्किन में जमा हुए एक्स्ट्रा डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करना, ब्लैक हेड्स को एक्सफोलिएट करना, डर्ट एंड इम्प्योरिटीज को एक्सफोलिएट कर हटाना, उसके लिए हम स्क्रबिंग का प्रोसेस यूज करते हैं और उसी को कहते हैं एक्सफोलिएंट्स।
एक्सफोलिएट करना. सो जितनी भी आप स्क्रब्स देखते हैं मार्केट में उसमें नेचुरल एक्सफोलिएंट का यूज नहीं होता है, उनमें प्लास्टिक बीड्स का यूज होता है. और प्लास्टिक बीड्स को यूज करने से अल्टीमेटली आप अपनी स्किन को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं. नुकसान क्या पहुंचता है जब आप प्लास्टिक बीड्स को स्क्रब करते हैं अपनी स्किन पर? तो सबसे पहले नुकसान होता है कि आप खुद इन्विटेशन दे रहे हैं फाइन लाइंस, रिंकल्स, सैगी स्किन, डिस्कलरेशन, डल स्किन को. सो एजिंग के साइंस बहुत जल्दी आ जाते हैं. आप उसे जब रिंस करते हैं पानी से तो वो ओशन में जा सकता है वो प्लास्टिक बीड्स, या वो सॉइल के अंदर जाएगा प्लास्टिक बीड्स. अल्टीमेटली यू आर हार्मिंग नेचर एज वेल. सो प्लास्टिक बीड से दो चीजों का तो नुकसान हो ही रहा है, दैट इज आपकी स्किन एंड नेचर. बट जब हम ओरिफ्लेम के एक्सफोलियंट्स की बात करते हैं, स्क्रब्स की बात करते हैं, तो हम यूज करते हैं नेचुरल एक्सफोलियंट्स, दैट इज नेचुरल बीड्स. कहाँ से लिया जाता है ये बीड्स? आमंड शेल से, या एप्रिकॉट से, या फिर वॉलनट स्क्रब हो गया, या फिर स्ट्रॉबेरी के सीड्स हो गए. तो इन सब नेचुरल एक्सफोलियंट्स का यूज करते हैं हम, जैसे कि मिल्क एंड हनी में नेचुरल एक्सफोलियंट है, स्वीडिश स्पा स्क्रब में नेचुरल एक्सफोलियंट है, जिससे कि आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम है उससे तो आपको हेल्प मिलेगी ही उसे हटाने में, उसे ठीक करने में, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन को बेनिफिट भी मिलेगा इस नेचुरल एक्सफोलियंट से. फोर्थ आप सबके सामने आता है स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स. स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है ये आज मैं आपको समझाऊंगी. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड आप सबके लिए समझने के लिए, आप सबके लिए जानने के लिए. क्यों ये फोर्थ स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वैसे तो छह के छह स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझने के लिए, बट फोर्थ में मैं थोड़ा सा ज्यादा वेटेज इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड जानने के बाद आपका ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को लेकर ट्रस्ट तो बढ़ेगा ही, आप दूसरों को ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए आसान होगा दूसरों को रेकमेंड करना और समझाना या सेल करना प्रोडक्ट को. तो स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के बारे में मैं आपको समझाती हूँ. 2009 में यूरोप ने कुछ ऐसे केमिकल्स को, हार्मफुल केमिकल्स को बैन किया जो कि कलर कॉस्मेटिक्स या फिर कॉस्मेटिक्स में यूज नहीं होने चाहिए, चाहे वो स्किन केयर है चाहे वो कलर्स हैं. कॉस्मेटिक सेक्टर में उन कुछ ऐसे केमिकल्स को, हार्मफुल केमिकल्स को यूज करने में यूरोप ने 2008 में बैन किया था. और ये टोटल जो नंबर ऑफ केमिकल्स थे ये हैं बल्कि अभी भी बैन है 1329 हार्मफुल केमिकल्स. ऑलराइट, सो ये रही यूरोप की बात. अब हम बात करते हैं सबसे बड़ा पावर जो है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज यूएस. 2018 में यूएस ने 30 हार्मफुल केमिकल्स को बैन किया. आप डिफरेंस देख रहे हैं, यूरोप 1328 हार्मफुल केमिकल्स हैज बीन बैंड इन 2008. इन 2019 यूएस ने बैन किया सिर्फ 30 हार्मफुल केमिकल्स को. वेरी प्राउडली आई वांट टू शेयर दिस थिंग विद यू दैट हम लोग स्वीडन से बिलोंग करते हैं, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आते हैं, हमें बाय डिफॉल्ट यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना ही पड़ता है. हम यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, दैट मीन्स हमारे प्रोडक्ट्स में 1328 हार्मफुल केमिकल नहीं है. उन 1030 नहीं, 30 नहीं, बल्कि 1328 हार्मफुल केमिकल्स का हम यूज नहीं करते हैं. इस तरह के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं. इसके बाद पांचवा स्टैंडर्ड आपके सामने आता है नॉन जीएमओ. नाउ जीएमओ का सिंपल, बहुत ही आसान शब्दों में मैं आज आपको समझाऊंगी. जीएमओ फुल फॉर्म इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. Now, what is genetically modified organisms? ये प्लांट भी हो सकता है, ये एनिमल भी हो सकता है, ये कोई माइक्रोब भी हो सकता है. और अच्छे से आपको समझाती हूँ. सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके किसी एनिमल को क्रिएट करना, सेल्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करके कोई प्लांट या कोई हर्ब या शर्ब को बनाना, जेनेटिकली सेल्स को उसको मॉडिफाई करके उसके साथ किसी और सेल को मिक्स करके कुछ भी माइक्रोब बनाना. फॉर एग्जाम्पल, और थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझाती हूँ. जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ये जो एनिमल्स होते हैं जिनको कि जेनेटिकली मॉडिफाई करके बनाया जाता है, इन एनिमल्स का ज्यादातर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज होता है उनके ऊपर टेस्टिंग के लिए.
तो नॉन जीएमओ का सिंपल, अगर मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको मतलब समझाऊं, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहले यूज नहीं करते हैं, हम किसी भी तरह का एनिमल फैट एक्सट्रैक्ट एनिमल ऑयल यूज नहीं करते हैं, ना ही हम अपने प्रोडक्ट्स एनिमल टेस्टिंग के लिए देते हैं। सबसे लास्ट आता है रिगरस सेफ्टी टेस्टिंग। हम इसके अलावा भी टेस्टिंग्स में बिलीव करते हैं जो कि जिसे हमने नाम दिया है रिगरस सेफ्टी टेस्टिंग। रिगरस सेफ्टी टेस्टिंग का मतलब हुआ कि ऐसी इंडिपेंडेंट लेबोरेटरीज में हम अपने प्रोडक्ट्स देते हैं जहां हेल्दी वॉलंटियर्स हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, और जो भी हमारे प्रोडक्ट का क्लेम होता है या उसका बेनिफिट होता है, जब हमें वहां से फीडबैक मिलता है या अप्रूवल मिलता है कि हाँ आपका जो प्रोडक्ट क्लेम कर रहा है वो उसी तरीके से काम कर रहा है विदाउट हार्मिंग आवर स्किन, ये सब करने के बाद हम अपने कैटलॉग में लिखते हैं क्लिनिकली प्रूवन कंज्यूमर टेस्टेड ऑप्टोलॉजिकली टेस्टेड सूटेबल फॉर सेंसिटिव आईज सूटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। सो ये सारे स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं जब हम अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। इन सारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद आपके हाथ में प्रोडक्ट आता है ताकि आप उसे यूज कर सकें, दूसरों को रेकमेंड कर सकें यूज करने। इस तरह के स्टैंडर्ड्स की कोई भी और कंपनी बात नहीं करता है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने का मतलब है कि आपके हाथ में एक सेफ प्रोडक्ट है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को बेनिफिट दे सकता है, जो आपकी स्किन की देखभाल कर सकता है या फिर आपकी स्किन में जितनी भी फ्लॉज है उनको फाइट करने में मदद करता है। तो ये हमेशा ओरिफ्लेम की हाईएस्ट प्रायोरिटी रही है, विच इज सेफ्टी। आई होप ये सेकेंड स्लाइड आपको पूरी तरह से क्लियर है। थैंक यू सो मच शीतल, थैंक यू सो मच स्वीटी, शीतल, कनिका, राजश्री, रितिका, ज्योति एंड ऑल, सब लोग, सब लोगों के लिए थैंक यू जिनको समझ आ गया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम जिस कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, जुडानी गोल्ड, इसे हम अपनी प्रीमियम कैटेगरी कहते हैं। और बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं या मुझसे हमेशा राय लेते हैं या कहते हुए मैंने सुना है कि एक्सपेंसिव है ये कैटेगरी, शायद मैं आगे रेकमेंड ना कर पाऊं क्योंकि लोग मुझसे लेंगे नहीं ये कैटेगरी, या लोगों को बहुत ही महंगी कैटेगरी लगती है। तो आज मैं आपको एक सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस ट्रेनिंग को लीजिएगा कि वो लोग जिनको ये एक्सपेंसिव लगता है या वो लोग जिनको लगता है कि नहीं इसका अल्टरनेटिव कुछ और है, हम डर्वन में चले जाते हैं, हम ऑन कलर या कलर बॉक्स का कोई फाउंडेशन ले लेते हैं, तो आप सबको सबसे पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करना चाहती हूँ। वो ये कि सबसे पहले मेकअप का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई 40 साल की लेडी है, 40 इयर्स की कोई वुमेन है, दैट डजंट मीन कि वो 40 साल की है तो उसके लिए जुडानी गोल्ड है और 20 साल की लड़की के लिए जुडानी गोल्ड की कैटेगरी नहीं है। ये मेकअप का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मेकअप का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपके स्किन के फ्लॉज को हाइड करना है। हमने तीन कैटेगरी आप तक पहुंचाई है, एक बेसिक, एक इकोनॉमी, एक प्रीमियम। आपको जिस कैटेगरी में आप सूट करते हो, फिट होते हो, आप उस कैटेगरी के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, जुडानी गोल्ड की कैटेगरी क्यों एक्सपेंसिव है, जुडानी गोल्ड में ऐसा क्या है, तो ऑफ कोर्स कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जुडानी गोल्ड में जो इसको प्रीमियम बनाते हैं। रही बात द वन की, द वन में भी ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसको जो कि हेल्प करते हैं आपकी स्किन को केयर देने में। तीनों कैटेगरी में आपको यू नो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एक बेसिक कैटेगरी है स्टार्टअप्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम मेकअप यूज कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने आज से पहले कभी मेकअप यूज नहीं किया, दे डोंट नो कितना मेकअप यूज करना है, दे डोंट नो कि उनको फाउंडेशन कितनी लगानी है, उन सब के लिए हम पहली कैटेगरी देते हैं विच इज बेसिक कैटेगरी। वो लोग जो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं मेकअप, उनको डिफरेंट तरह की लिपस्टिक्स पसंद है, डिफरेंट तरह के लाइनर्स पसंद है, डिफरेंट तरह के आई पेंसिल्स पसंद है, डिफरेंट टेक्स्चर्स पसंद है, उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं, या फिर डिफरेंट मस्कारास पसंद है उनके लिए हम रेकमेंड करते हैं द वन कैटेगरी। और वो लोग जो थोड़ा लग्जरी में बिलीव करते हैं, यू नो थोड़ा सा प्रीमियम रेंज की तरफ उनका झुकाव है, तो हम उनको रेकमेंड करते हैं हमारा प्रीमियम रेंज जिसे हम कहते हैं जुडानी गोल्ड। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप्स, ये हमेशा मैं आपको कहती हूँ, ये आपकी स्क्रीन में आप देख रहे हैं जिसे हम लिखा हुआ है साफ साफ, एनालाइजिंग योर स्किन। सो मेकअप करने से पहले दो चीजें
ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दो चीजों को फॉलो करना, टू स्टेप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट इज एनालाइजिंग योर स्किन। नाउ एनालाइजिंग मींस जानना, पहचानना, समझना अपनी स्किन को। हाउ यू एनालाइज योर स्किन? यू एनालाइज योर स्किन बाय डूइंग टू स्टेप्स। फर्स्ट यू एनालाइज योर स्किन विद थ्रू योर सेल्फ ओनली। आप खुद ही अपनी स्किन को एनालाइज करते हो कि आपकी स्किन नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है, रेडनेस है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव है या कॉम्बिनेशन स्किन है। ये आप कैसे करेंगे? तो आपने आज से ये तीन बार अपनी स्किन को चेक करना है। छोटे से तीन स्टेप फॉलो करने हैं आने वाले 3 दिनों में, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि आपकी स्किन क्या है, स्किन का टाइप क्या है। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपने फेस वॉश नहीं करना है, आपने आईने के सामने खड़े होकर अपनी आईज से देखना है अपनी स्किन को, और साफ हाथों से, सैनिटाइज्ड वॉश्ड हैंड से आपने अपनी स्किन को फील करना है, टच करना है कि आपकी स्किन में कहाँ कहाँ ड्राइनेस है, कहाँ कहाँ ऑयलीनेस है, कहीं सिर्फ कॉम्बिनेशन स्किन तो नहीं है, कहीं सिर्फ ऑयली तो नहीं है, कहीं एक्स्ट्रा सेंसिटिव तो नहीं है। तो एक बार आपने रियलिटी चेक किया मॉर्निंग में, एक बार आप चेक करेंगे 2 से 3 के आसपास, सेम चीज आप करेंगे। आप चाहे तो ड्यूरिंग द डे अपना स्किन केयर भी कर सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन, या नहीं भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, वो नेचुरली अपने स्किन को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो आप आप स्किन केयर उस पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं ना करें और अपनी स्किन में देखें कि आपकी स्किन कैसी है। अदरवाइज वो लोग जो स्किन केयर करते हैं उनके लिए भी दैट इज परफेक्टली फाइन। आप 2 से 3 के बीच अपनी स्किन का रियलिटी चेक करेंगे, एक जगह नोट कर लेंगे कि अब मेरी स्किन कैसी है, और फिर रात को सोने से पहले, जब आप सोने जाते हैं, आप स्किन केयर करने से पहले एक बार अपनी स्किन का थर्ड टाइम रियलिटी चेक करें कि आपकी स्किन में क्या टाइप आपको ज्यादा दिख रहा है। ये आपने लगातार 3 दिनों तक करना है, और आप फिर कैलकुलेट करें कि आपकी स्किन ज्यादातर किस टाइप में आ रही है, नॉर्मल में आ रही है, ड्राई में आ रही है, कॉम्बिनेशन या ऑयली में आ रही है। ऑलराइट, सो ये तो हो गया आपका खुद का एक्सपीरियंस। नाउ ओरिफ्लेम आपको मदद करता है आपकी स्किन को एनालाइज करने में, उसकी टाइप को जानने में, उसकी कंडीशन को जानने में, विद द हेल्प ऑफ एन इनोवेटिव डिवाइस जिसे हम कहते हैं आपकी स्क्रीन में आपके सामने एपीआई डिवाइस, एपी डिवाइस। सो व्हाट इज एपीआई डिवाइस, ये कैसे काम करता है? मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सब लोग स्किन केयर के सेशंस को, जो कि गुंजन साई लेती है, उसे जरूर अटेंड करें ताकि आपको डिटेल नॉलेज मिल सके एपी डिवाइस की। बट अभी फिलहाल मैं आपको एक छोटा सा जिस्ट में समझा देती हूँ कि एपी डिवाइस का यूज कैसे होता है। आपने अपनी स्किन पे कोई मेकअप नहीं करना है, कोई क्रीम नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा फेस होना चाहिए आपका, और ये डिवाइस वाईफाई से कनेक्ट होता है, आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा ये, और आपने इस डिवाइस को अपनी स्किन पर डिफरेंट पार्ट्स पे इसे रखना है, मूव करना है डिफरेंट पार्ट्स पर, और आप स्क्रीन पर एक्चुअली में अपनी स्किन का पूरी तरह से एक बायोडाटा आपको मिल जाएगा। आप पूरी तरह से अपनी स्किन को देख पाएंगे कि आपकी स्किन में कितने ब्लेमिशेस हैं, कितने ओपन पोर्स हैं, ड्राइनेस, ड्राई पैचेस तो नहीं है, या फिर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रहा है, या फिर एक्स्ट्रा ऑयलीनेस है। सो दिस डिवाइस ऑथेंटिकेट, मतलब ये आपको पक्का करके एक रिजल्ट देता है, रिलायबल रिजल्ट देता है कि आपकी स्किन का ये टाइप है, आपकी स्किन का ये कंडीशन है। नाउ ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेकअप करने से पहले एनालाइज करना बहुत जरूरी है, अपनी स्किन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्किन को समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तब तक आप अपने लिए राइट स्किन केयर का चूज नहीं कर पाओगे और राइट मेकअप प्रोडक्ट चूज नहीं कर पाओगे। दैट इज व्हाई एनालाइजिंग योर स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस डिवाइस, अब आपका सवाल आ रहा होगा, ये डिवाइस को मैं कैसे लूं, कहां से लूं? आई वुड रेकमेंड 2-3 थिंग्स। आप गुंजन साई की ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, आप अपने लीडर से कॉन्टैक्ट कीजिए, या फिर आप अपनी पर्टिकुलर ब्रांच से कॉन्टैक्ट कीजिए जहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी एपीआई डिवाइस आप तक कैसे पहुंचे या उसको पाने के लिए आपको क्या करना है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज प्रिपेयरिंग योर स्किन। सो ये मेकअप करने से पहले 2 स्टेप्स, एनालाइजिंग आवर स्किन हमने कर लिया, प्रिपेयरिंग योर स्किन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा हर किसी को एक बात समझाती हूँ कि मेकअप एंड स्किन केयर गोज पैरेलली, ये पैरेलली जाते हैं, ये एक सर्कल है जो आपको एक साथ करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको समझाती हूँ कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप सबको एक
खूबसूरत और अच्छी स्मूथ स्किन चाहिए, उसके लिए आपको स्किन केयर करना बहुत जरूरी है। और खूबसूरत स्किन और स्मूथ स्किन के ऊपर मेकअप बहुत अच्छा होगा, और मेकअप को अच्छा करने के लिए आपको स्मूथ स्किन चाहिए, तो इसलिए आप स्किन केयर करेंगे। आप समझ रहे हैं, इट्स अ सर्कल, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप स्किन केयर करते हैं, आपकी स्किन स्मूथ बनती है, आपकी स्किन स्मूथ बनती है तो आपका मेकअप बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, और प्रिपेयर करने के लिए आप ये बेसिक 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं, लेकिन मैं इन 4 स्टेप्स को थोड़ा सा और एलाबोरेट करके आपको बताऊंगी। सो पहले आप डर्ट डस्ट पार्टिकल्स को और मेकअप को हटाने के लिए क्लेंजिंग करते हैं अपने फेस की, इम्प्योरिटीज एंड डस्ट पार्टिकल्स और मेकअप को हटाते हैं। आप हफ्ते में एक बार स्क्रब करते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्ने है तो आप स्क्रब नहीं करेंगे, आप ये वाला स्क्रबिंग का स्टेप अवॉइड करेंगे। थर्ड, आप फेस वॉश करते हैं। 4th स्टेप में आप मॉइस्चराइज करते हैं। 5th स्टेप में आप सिरम यूज करते हैं। 6th स्टेप में आप अंडर आई क्रीम यूज करते हैं। एंड 7th स्टेप में आप लिप बाम यूज करते हैं अपने लिप्स के ऊपर। ये बहुत ही एलैबोरेटिव स्टेप्स हो गए स्किन केयर के। अब यहाँ सवाल आता है कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें पूरा सेट क्यों लें, हमें एक ही क्रीम क्यों ना लें, और क्यों हमें ये 2 बार करना है, क्यों मॉर्निंग में और नाइट में हमें इसे फॉलो करना है। Why there is a morning routine and a night routine? Why can't we just follow the skincare routine just once? So let me explain you. There is a scientific reason behind this. Morning में जब आप काम करते हैं, आपकी skin active होती है, तो absorption power आपकी skin का थोड़ा सा कम रहता है, और night में जब आप सोते हैं तो आपकी skin का absorption power ज्यादा रहता है। तो दो time पर आपकी skin दो तरह से चल रही है, रिएक्ट कर रही है। ऑलराइट, सो उन दोनों टाइम में स्किन को केयर करने के लिए प्रोडक्ट देना बहुत जरूरी है। इसीलिए डे क्रीम जो होती है वो थोड़ी थिन फॉर्मूला के साथ में होती है, और नाइट क्रीम थिकर फॉर्मूला के साथ में होती है। इसीलिए 2 क्रीम सजेस्ट की जाती है आपकी स्किन के लिए, एक मॉर्निंग एक नाइट। सीरम्स का इसीलिए यूज करने के लिए बोलते हैं क्योंकि सीरम्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत पतला होता है, बहुत थिन होता है, ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है और इंस्टेंट हाइड्रेशन देता है। व्हाई वी से टू यूज आई क्रीम, आप एक मॉइस्चराइजर को अंडर आई क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, क्योंकि आई क्रीम इसलिए बनाया गया है फॉर्मूला क्योंकि आईज की जो स्किन होती है वो बहुत पतली स्किन होती है, वहां हमें कुछ भी थिक लगाने का मतलब है स्किन को ब्लॉक करना, स्किन के पोर्स को ब्लॉक करना, आई की जो स्किन की पोर्स है उनको ब्लॉक करना। तो इसीलिए लाइट फॉर्मूला रहता है हमेशा अंडर आई का, वेरी वेरी लाइट फॉर्मूला। जैसे कि मेकअप में फाउंडेशन थोड़ा थिक होता है लेकिन कंसीलर बहुत पतला होता है क्योंकि वो अंडर आईज के लिए बनाया गया है। ऐसे ही सेम वे लिप्स के लिए अलग तरह का प्रोडक्ट होता है। हम क्यों नहीं लिप के ऊपर क्रीम लगाते हैं, व्हाई वी ऑलवेज यूज बाम, क्योंकि बाम और भी ज्यादा थिन फॉर्मूला में होता है, पतले फॉर्मूला में होता है, जल्दी लग जाता है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब भी होता है लिप्स में। सो दैट इज व्हाई आपको जब स्किन केयर करनी होती है वी ऑलवेज से कि आपको पूरा सेट लेना होता है टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट, एंड आपको मॉर्निंग और नाइट रिजीम को फॉलो करना होता है क्योंकि स्किन डिफरेंट तरीके से काम करती है सुबह में और शाम में, रात में। ऑलराइट, आई होप यहां तक आपको सब समझ आ गया है। प्लीज यस और नो में जवाब दीजिए सो दैट वी कैन मूव अहेड विद आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ऑलराइट Let's move to the next slide now. Now we'll talk about makeup. So makeup करने से पहले ये वो steps हैं जो आपको follow करने हैं. So पहला आता है आपका primer. Second step में आता है foundation. Third में concealer. आप second में concealer और third में foundation भी कर सकते हैं. अब हम 3rd step पे रुक जाते हैं. अब आप देखिए कि आपने अपनी स्किन में कहां तक क्या क्या लगाया है। आपने एक मॉइस्चराइजर से स्टार्ट किया, हो सकता है आपने सीरम लगाया हो सकता है आपने एसपीएफ भी लगाया हो, या आपके मॉइस्चराइजर में ऑलरेडी एसपीएफ होगा। उसके बाद में आप प्राइमर यूज कर रहे हैं, उसके बाद आप फाउंडेशन यूज करते हैं एंड देन कंसीलर यूज करते हैं। तो कितना सारा लिक्विड फॉर्मूला आपकी स्किन पे जा रहा है। अब इन सारी क्रीम्स को आपने सेट करना है ताकि ये एक जगह लॉक हो जाए और आपको एक्सेस शाइन जो है आपके फेस पर वो आपकी थोड़ी सी हट जाए, एक बैलेंस्ड लुक आए आपके चेहरे पर, और आपका और ज्यादा कवरेज अगर आपको चाहिए तो आप अपना 4th स्टेप करते हैं, दैट इज व्हाट इज फेस पाउडर।
तो अब इन सब को लॉक करने के लिए, सेट करने के लिए आप फेस पाउडर का यूज करते हैं। अब फोर्थ स्टेप जब आप कर लेते हैं, अब आपके पास जो चेहरा है वो बहुत ही सपाट यूनिफाई टोन के साथ में है, इवन टोन हो गया है आपका चेहरा, एकदम यू नो ब्लैंक कैनवस की तरह हो गया आपका चेहरा। अब वापस से अपनी स्किन में, अपने फेस में डायमेंशन लाने के लिए हम लोग कॉन्टोर करते हैं, ब्लश करते हैं, रिक्वायर्ड हो तो ब्रॉन्जर भी यूज करते हैं, एंड देन वी हाईलाइट टू गेट अगेन दैट शार्पनेस, दैट एजीनेस, दैट डायमेंशन इन आवर फेस। ऑलराइट, सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद प्राइमर। What does primer do? Primer क्या काम करता है? Primer simple words में आपकी fine lines, wrinkles and open pores को hide करता है, 98% छिपा देता है, blur कर देता है, उसकी visibility को कम कर देता है। ये fine lines, wrinkles और open pores आपकी skin के texture को uneven बनाती हैं। और प्राइमर यूज करने से आपके स्किन का अनइवन टेक्सचर इवन हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आपकी फाउंडेशन की ब्लेंडिंग बहुत नेचुरली, सीमलेसली, इवनली, ब्यूटिफुली होती है, बिल्कुल भी हैवी लुक नहीं आता है। प्राइमर एक्सेस शाइन को कंट्रोल करता है, एक्सेस स्वेट को कंट्रोल करता है, मेकअप को टिकाए रखने में, लंबे समय तक लॉन्ग लास्टिंग बनाने में हेल्प करता है। प्राइमर के बाद अगर आप फाउंडेशन यूज करते हैं तो फाउंडेशन का कलर बहुत ज्यादा ब्राइट अप होकर निकलता है, निखर के आता है। द सेम वे जब आप प्राइमर आईज, आई लिड के ऊपर यूज करते हैं तो आई शेडो का कलर भी बहुत ज्यादा निखर के आता है। आपने एक छोटा सा अमाउंट, जस्ट अ पीज साइज अमाउंट, आपने मटर के दाने के जितना अमाउंट जिसे हम कहते हैं, आपने सिर्फ वहां यूज करना है जहां रिक्वायर्ड है। आप सब जानते हैं कि हमारे पास में दो तरह के प्राइमर हैं, एक हमारा जोडानी गोल्ड का प्राइमर और एक हमारा द वन का प्राइमर। तो जो ये स्मॉल अमाउंट सिर्फ रिक्वायर्ड जगह पर यूज करने के लिए मैं बोल रही हूँ, ये जो प्राइमर है ये द वन का प्राइमर है। ऑलराइट, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ओपन पोर्स जहां है, फाइन लाइंस जहां है, रिंकल्स जहां है, जिनको ऑयली, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, उन लोगों के लिए मैं रेकमेंड करूंगी द वन पोर मिनिमाइजर। लेकिन आज हम जुड़ानी गोल्ड के प्राइमर की बात कर रहे हैं, तो आज हम जानेंगे कि ये प्राइमर कौन सी स्किन टाइप पे जाएगा, क्या इसका कोई एज ग्रुप है, कौन सा एज ग्रुप इसे यूज कर करेगा, Why this primer is expensive? ये आखिरकार expensive क्यों है? क्या worth है इसे use करना? क्या worth है इस पर पैसा खर्च करना? तो ये मैं आज आपको समझाऊंगी। Youthful Radiance Elixir Primer। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी skin type के लोग इसे लगा सकते हैं। जिनकी skin normal है और जिनकी skin dry की तरफ जाती है, उन्हें हम recommend करते हैं Youthful Radiance Elixir Primer। यानी कि नॉर्मल स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, इसे कॉम्बिनेशन स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं उन जगह पर जहां उनकी स्किन ड्राई है, और ड्राई स्किन वाले तो, वालों के लिए तो ये प्रोडक्ट बना ही है। ओके, नाउ क्या एज ग्रुप इसे यूज कर सकता है? इसे कोई भी एज ग्रुप यूज कर सकता है, क्योंकि एजिंग के साइन अब 40 की उम्र में नहीं आते हैं, बल्कि 20 जब आप अपने टीनेज क्रॉस करते हैं, एजिंग के साइंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज वी, यू ऑल नो, वी आर लिविंग इन अ वेरी वेरी पॉल्यूटेड एनवायरमेंट। ओजोन लेयर का जो होल है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यूवीए, यूवीबी रेज ज्यादा धरती पर फिल्टर होके नहीं पहुंच रही है, उनमें से कुछ रेज बिना फिल्टर हुए पहुंच रही है, बिकॉज वो होल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्किन में प्रॉब्लम्स आती हैं, स्किन में पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं विद दीज अल्ट्रा वायलेट रेज। सो एजिंग के साइंस आना, you know, 20s में, it's very common. So, कोई भी age group का, age group की lady इसे use कर सकती है. 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, you can use this primer. All right? Now, let's talk about the ingredients. इसमें क्या ingredients है? अगर आप ध्यान से नाम पढ़ेंगे, तो आपको नाम में ही इसका answer मिलेगा. इसका नाम है Youthful Radiance Elixir Primer, as you all know. सबसे पहले हम बात करते हैं radiance. That means, this primer will give you radiance. Glow. Yes, why? Absolutely, it will give you glow. But how this is giving you glow and why this is giving you glow?
बिकॉज दिस हैज माइक्रो स्पार्कलिंग कॉस्मेटिक बीड्स, छोटे छोटे आपको शिमर पार्टिकल दिखेंगे इसमें। अगर आप सनलाइट में या ट्यूब लाइट में आप लाइट के नीचे खड़े होकर इसे ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको गोल्डन और पिंक कलर की शाइन नजर आएगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन में रेडियंस रहता है, ग्लो रहता है। जब तक ये प्रोडक्ट आपके फेस पर है, ये प्रोडक्ट आपके फेस को ग्लोई बनाने में मदद करेगा। सेकेंड है यूथफुल, दैट मीन्स ये प्रोडक्ट आपको आपकी स्किन को यूथफुल बनाने में मदद करता है। हाउ? ओके, सो इसको समझने से पहले जरा मैं आपको थोड़ा सा स्किन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दूं, सो दैट आपके लिए प्रोडक्ट को समझना बहुत इजी हो। देखिए, आप और मैं सब लोग चाहते हैं कि हमारी स्किन रिंकल फ्री हो जाए, बिल्कुल सपल सॉफ्ट एंड बाउंसी स्किन हो जाए हमारी। ये आप भी चाहते हो, ये मैं भी चाहती हूँ, और ये मुमकिन भी है। इसे ऐसी स्किन पाना बहुत मुमकिन है। आप सब सेलिब्रिटीज और यू नो एक्ट्रेसेस की स्किन देखिए, उनकी स्किन बिल्कुल ऐसी है, बिकॉज वो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, और वो प्रोसीजर का नाम मैं आपको अभी बताऊंगी। बट उससे पहले कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ इंजेक्शंस लगाता है, उस इंजेक्शंस की वजह से हेल्प से आपकी स्किन एक हफ्ते में बिल्कुल सॉफ्ट सपल रिंकल फ्री हो जाती है। ये इंजेक्शंस बहुत ही एक्सपेंसिव इंजेक्शंस होते हैं, आपको बहुत पैसा खर्च करना होगा इन इंजेक्शंस को करने में। दूसरी बात, ये इंजेक्शंस का इफेक्ट सिर्फ 6 मंथ्स तक रहता है, 6 मंथ्स के बाद आपको दोबारा ये प्रोसीजर करना होता है। तीसरी बात, इन इंजेक्शंस का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी है, क्योंकि कौन सा इंजेक्शन कैसे कहां पर कौन सा डॉक्टर लगा रहा है, यू डोंट नो। किसी का हाथ सही है, किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जैसे कि कुछ सेलिब्रिटीज की अगर मैं आपको चेहरे याद दिलाऊं, कंगना रनौत के लिप्स खराब हो गए, अनुष्का शर्मा के लिप्स खराब हो गए हैं, जस्ट बिकॉज की यू नेवर नो आपकी स्किन इंजेक्शन से किस तरह से रिएक्ट करेगी। बट यू नो वॉट, वन थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, आप जानते हैं उस इंजेक्शन में क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड की जरूरत हम सबको है, हमारी ऑलरेडी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड है। उसका बैलेंस जब खराब हो जाता है तो हमारी स्किन में एजिंग के साइंस बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाते हैं। हाइलुरोनिक एसिड वाटर को रिटेन करके रखता है, दोबारा से स्किन में वॉल्यूम भर देता है, सपलनेस, सॉफ्टनेस एंड बाउंसी स्किन बनाता है आपकी। ये ऑलरेडी हमारे स्किन में होता है। इसका बैलेंस को कैसे बरकरार रखें, कैसे मेंटेन रखें? बाय लीडिंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, लाइक फिटनेस फ्रीक लाइफस्टाइल, बाय ईटिंग हेल्दी, यू नो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज कॉन्सेप्ट पे बिलीव करें, फॉलो करें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, और बहुत ज्यादा एक्टिव एक्सरसाइज करें। हेल्दी का मतलब ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द विटामिंस का इंटेक होना, बैलेंस डाइट खाना और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना। दिस इज वन नेचुरल वे टू लिव अ वेरी हेल्दी लाइफ। वी ऑल वॉन्ट टू डू दिस बट वी कैन नॉट समटाइम्स डू दिस। हम कर नहीं पाते हैं बिकॉज हमारे ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। We try to follow this, but not regularly, not religiously. That is why Oriflame ने आपको ये product दिया है, because the formula of this product is hyaluronic acid. This bottle has the formula hyaluronic acid, जो कि आप अपनी skin पे use करते हैं और जिसकी वजह से आपकी skin के fine lines, wrinkles को fight out करने में ये product मदद करता है। साथ ही साथ primer की तरह काम करेगा, आपके makeup को long lasting बनाएगा। It works as a moisturizer, एक moisturizer की तरह काम करता है, instant hydration देता है, plumpiness वापस लाता है, instant moisture देता है आपकी skin में, जिनकी skin dull है, जिनकी skin में less tightness है, sagginess बहुत ज्यादा है, loss of hydration है, this is the right primer for all those skin type people. This is the reason it is expensive. Why to spend so much of money to a dermatologist when Oriflame is giving you such a beautiful product which can help you to make your skin looking very youthful? So this is what this primer is. I think इससे मदद होगी आपको इस प्राइमर को समझाने में। आज अगर आपसे कोई ये प्राइमर नहीं लेता है, आई एम श्योर एक हफ्ते बाद जरूर आपके पास में आएगा पैसे इकट्ठे करके, दैट दिस इज द प्रोडक्ट वर्थ स्पेंडिंग फॉर। All right, let's move to the next
स्लाइड विच इज फाउंडेशन. लेट्स नाउ अंडरस्टैंड फाउंडेशन क्या होती है, सीसी क्रीम क्या होती है. आपकी स्क्रीन में आपके सामने दो फाउंडेशन है. इन जोडानी गोल्ड वी हैव थ्री फाउंडेशन, थर्ड फाउंडेशन नेक्स्ट स्लाइड में आएगी. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट सीसी क्रीम. ध्यान से सुनिएगा आप सभी, वॉट एग्जैक्टली इज सीसी क्रीम. सीसी क्रीम का मतलब है कलर करेक्टिंग क्रीम. ये आपके कलर को, फेस के कलर को इवन करने में मदद करती है, यानी कि डिस्कलरेशन पे काम करेगी. जिसकी डिस्कलर्ड स्किन होगी उसको यूनिफाई करने में, इवन टोन देने में ये सीसी क्रीम मदद करती है. SPF 35 के साथ में है, सो ये यूवी प्रोटेक्शन भी आपकी स्किन को देती है. हाइलुरोनिक एसिड की होने की वजह से ये एज स्पॉट्स को, फाइन लाइंस को, रिंकल्स को हाइड करने में मदद करती है. नाउ दिस इज अ क्रीम फाउंडेशन. Always remember one thing. जो भी मैं आपको बता रही हूँ आप नोट कर लीजिए. You can take a screenshot as well of this PPT. This PPT will be shared with you all. आप अपने अपने लीडर से, अपने अपने ब्रांचेस से ये PPT जरूर ले सकते हैं. रिकॉर्डेड वर्जन भी आपके साथ में शेयर किया जाएगा. प्लीज कॉन्टेक्ट योर लीडर्स आफ्टर द ट्रेनिंग एंड द ब्रांच, पर्टिकुलर ब्रांच, सो यू कैन गेट द ऑडियो ऑल्सो एंड द PPT एज वेल. सो क्रीम फाउंडेशन में आपको लेस कवरेज मिलेगी. अगर आप सोचेंगे कि सीसी क्रीम आपको फुल कवरेज देगी तो आप गलत कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रख रहे हैं. सीसी क्रीम आपको मीडियम कवरेज देगी, आपकी ब्लेमिशेस को कुछ हद तक छिपाएगी, बट मेजरली काम करेगी आपकी स्किन को इवन टोन देने में, डिसकलर्ड स्किन को करेक्ट करने में काम करेगी. नाउ ये भी जाती है जिनकी स्किन नॉर्मल है और जिनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई की तरफ जा रही है, उनके लिए सीसी क्रीम बहुत ही फायदेमंद है. जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है उनके लिए भी हम सीसी क्रीम रेकमेंड करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ग वेयर मिनरल फाउंडेशन. नाउ लॉन्ग वेयर मिनरल फाउंडेशन इज अ फुल कवरेज फाउंडेशन. बाय द वे लेट्स कम टू द सीसी क्रीम अगेन. सीसी क्रीम इज अ वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ फॉर्मूला. All right, now let's talk about long wear mineral foundation. So this foundation has a full coverage. ये भी sweat proof है, ये भी smudge proof है, water proof है. Minerals से भरा हुआ foundation है. जो minerals इसमें use किए हैं, that is volcanic minerals. Italy में एक mountain है, volcanic mountain है, by the name of Etna. Etna mountain के minerals mineral formula का use किया गया है, जो कि actually आपकी aging के signs को fight out करने में मदद करते हैं, आपकी skin को brightness लाने में मदद करता है, fresh दिखाने में मदद करता है ये foundation. जब आप इसको remove कर देते हैं फिर भी आपकी skin पे glow बरकरार रहता है, because minerals are still working on your face. So this is Jodani Gold Long Wear Mineral Foundation. Again, this can go with combination skin as well. This can go with a normal skin as well. And this can go with the skin people who have little drier side skin. All right. Now let's talk about our new launch. Jaisa ki aap sab log jante hain, Master Creation Foundation from Jodani Gold with SPF 18. SPF 18 means ki UV protection ye aapko dega sabse pehli baat. Let's talk about the best thing about this foundation. This is a clinically proven foundation. इसका ये 5 गुना ज्यादा brighter look देता है. ये improve करता है आपके skin के texture को, volume को वापस लाता है आपकी skin में. ये आपके signs को fight out करने में मदद करता है, जिसकी वजह से आपके skin का texture appearance बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी skin को smooth बनाता है, even tone देता है और hydrate करता है. मैंने कहा कि 5 गुना ज्यादा ये आपकी स्किन को ब्राइटर लुक देता है, जो कि क्लिनिकली भी प्रूवन है. इसका रीजन ये है क्योंकि इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इनोवेटिव इंग्रेडिएंट है. इसमें बोटानिकल सिरम, जो कि हर्ब्स प्लांट से निकाला जाता है, वो सिरम यूज किया गया है, और व्हाइट पोनी फ्लावर का यूज किया गया. आप इसको पियोनी भी कहते हैं और पोनी भी कहते हैं, दोनों ही वर्जन ठीक है. इट इज अ व्हाइट कलर फ्लावर. ये एंशियंट, अगर मैं पीछे जाऊं आज से कुछ एंशियंट वैद लोग जो होते थे वो इस फ्लावर के एक्सट्रैक्ट का यूज करते थे. इवन जापानीज, जापान में भी जो जापानीज के एंशियंट वैद गुरुज होते थे वो भी इस फ्लावर का यूज करते थे, और बहुत सारी कंट्रीज के पुराने जो डॉक्टर्स या वैद जिनको कहते थे वो इस प्योनी फ्लावर का या पोनी फ्लावर का यूज करते थे. ये फ्लावर पिगमेंटेशन को फाइट करने में मदद करता है. इस फ्लावर का एक्सट्रैक्ट सफेद रंग का फ्लावर होता है, बहुत ही खूबसूरत. और ये जो इसके इसका जो रस आप कहें, अर्क कहें या एक्सट्रैक्ट कहें, ये मदद करता है पिगमेंटेशन को फाइट आउट करने में. नाउ डोंट कोट मी रॉन्ग, हाँ ध्यान से सुनिएगा. आई एम नॉट सेइंग कि ये फाउंडेशन आपकी पिगमेंटेशन को हटा देगी,
मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है जिसकी वजह से ये 5 गुना ज्यादा ब्राइटर लुक देता है। सो इसमें जो आपको है 4 शेड्स मिलते हैं, 35236 सॉफ्ट वेनिला वॉर्म फेयर स्किन टोन के लिए, 35237 लाइट सैंड वॉर्म ये भी फेयर स्किन टोन के लिए जाएगा। दो तरह की स्किन होती है, एक बहुत ज्यादा फेयर होती है, एक थोड़ा कम फेयर होती है, तो ये पहले दो जो है आपको फेयर स्किन टोन के लिए। रोज न्यूड कूल 35239 मीडियम स्किन के लिए जाएगा और 35241 गोल्डन बेज वॉर्म के लिए जाएगा। इसके साथ ये ब्रश भी आता है, फ्री नहीं आता है, इसका भी प्राइस है। ये ब्रश एक ब्लेंडिंग ब्रश है जो कि फाउंडेशन को ब्लेंड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। हमारे पास ओरिफ्लेम में जो एप्लीकेशन ब्रश है, फ्लैट ब्रश है, जो वो अप्लाई करता है फाउंडेशन को और ये ब्लेंड करने में मदद करता है। ऑलराइट, सो ये रही हमारी 3 ब्यूटीफुल फाउंडेशंस। आपको कौन सा फाउंडेशन लेना है ये आपके ऊपर है। आई विल रेकमेंड आप दोनों फाउंडेशन, लॉन्गवे मिनरल फाउंडेशन और जोड़ानी गोल्ड मास्टर क्रिएशन फाउंडेशन में से कोई एक फाउंडेशन ले। आपका मन कहता है, आपका आपका डिमांड है दोनों का, तो आप दोनों ले सकते हैं एंड साथ में सीसी क्रीम ले। सो ये सीसी क्रीम और फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। नाउ कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने इनको कंबाइन करके लगाना है। आप अगर डेली यूज करना चाहती हैं तो सीसी क्रीम यूज कीजिए, ओकेजनली अगर आपको कहीं यूज करना है किसी पार्टी में, किसी वेडिंग में, तो आप फाउंडेशन का यूज कीजिए। रेस्ट इज अप टू यू। अगर आप रोज फाउंडेशन भी यूज करना चाहती हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी, क्या हम दो फाउंडेशन को मिक्स करके यूज कर सकते हैं? NO। ऑलराइट, कभी भी आप ये नहीं सोचेगा कि मास्टर क्रिएशन और मिनरल फाउंडेशन को मिक्स कर देंगे, you will not get a even application। आप CC क्रीम और किसी फाउंडेशन को भी मिक्स मत करना। हर एक का फॉर्मूला अलग है, हर एक का बेनिफिट अलग है, हर एक का एप्लीकेशन अलग है। ऑलराइट, सो ये बनाया गया है उन लोगों के लिए जिनको कम कवरेज पसंद है। फाउंडेशन सीसी क्रीम बनाई गई है उनके लिए जिनको कम कवरेज पसंद है, और फाउंडेशन उनके लिए जिनको फुल कवरेज पसंद है। तो किसी को शायद दिन में भी फाउंडेशन लगाना अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। अकॉर्डिंग टू योर डिमांड यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पोर्टफोलियो ऑफ फेस पाउडर्स व्हाट वी आर हैविंग। आप लोग हैरान हो रहे होंगे देख के कि इल्यूमिनेटिंग पर्ल्स डेलिकेट ग्लो एज अ पाउडर। So, ये भी मैं आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शिया पाउडर की, विच इज फ्रॉम जोड़ानी गोल्ड। ये मिनरल एनरिच पाउडर है, इसमें 90% मिनरल्स का यूज किया गया है। फुल कवरेज पाउडर है, इसमें जोजोबा एक्सट्रैक्ट, मैकेडेमिया सीड एक्सट्रैक्ट, कैस्टर ऑयल एक्सट्रैक्ट और SPF 15 भी है, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेस से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है ये पाउडर। सो दिस इज वन पाउडर फॉर दोज पीपल जो कि फुल कवरेज पाउडर चाहते हैं। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं और बहुत लोगों को मैंने देखा भी है कि वो डायरेक्ट पाउडर का यूज करते हैं। डायरेक्ट का मतलब कि आपने मॉइस्चराइज किया और पाउडर का यूज किया। ये गलत नहीं है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पाउडरी लुक देगा अगर आप इस तरीके से कॉम्पैक्ट को यूज करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि कॉम्पैक्ट यूज करने से पहले या फिर फेस पाउडर यूज करने से पहले आप छोटा सा, पतला सा, बहुत ही नेचुरल सा एक बेस बना लें अपने फेस के ऊपर। चाहे वो बेस आपका सीसी क्रीम से है, चाहे वो आपका जीजी की किसी फाउंडेशन से है, फिर वो चाहे आपका दर्वन का पीच परफेक्ट फेयर का बेस है, या फिर दर्वन का A2Z क्रीम का बेस है, या फिर दर्वन की फाउंडेशन का बेस है, या फिर आपने डायरेक्ट कंसीलर से अपना बेस बनाया हुआ है। आपको एक हल्का सा बेस बनाना बहुत जरूरी है और उसके बाद आप कॉम्पैक्ट यूज कीजिए, ताकि वो पाउडरी इफेक्ट जो आप कहते हैं ना, एकदम पाउडर जैसा, नॉट केकी बट वेरी पाउडरी इफेक्ट आता है फेस पर, दूर से लगता है, नाक पे अलग से दिखता है, वो एक लुक नहीं आना चाहिए। ऑलराइट, वो नेचुरल नहीं लगेगा फिर। सेकेंड हमारा जो पोर्टफोलियो है वो है जोड़ानी गोल्ड इल्यूमिनेटिंग पर्ल्स डेलिकेट ग्लो। सो वॉट इज दिस, बेसिकली क्या प्रोडक्ट है ये? सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि ये एक हाईलाइटर है। सो दिस इज नॉट अ हाईलाइटर। लेट मी एक्सप्लेन यू। यू हाईलाइटर जो आपका क्रीम इल्यूमिनेटर है दर्वन का, दैट यू कैन यूज इट एज अ हाईलाइटर। दिस इज मेजरली अ फेस पाउडर जो कि हमने आपको पर्ल फॉर्म में दिया है। इसमें बहुत हल्का सा शिमर है जो कि आपको लाइट के नीचे दिखाई देगा।
गोल्ड जो इसमें पर्ल है वो आपकी स्किन को हेल्प करते हैं परफेक्ट करने में, लाइटन करने में. जो आपके ग्रीन पर्ल्स हैं इसमें, ग्रीन पर्ल्स मदद करते हैं रेडनेस को काउंटरैक्ट करने में, कम दिखाने में. पिंक पर्ल हेल्प करते हैं लाइटन और फ्रेशन अप करने के लिए फेस को, और व्हाइट पर्ल हाईलाइट करते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं. व्हाइट पर्ल में ही हल्का सा शिमर है, बहुत हल्का सा शिमर. सो वो लोग जिनको फेस पाउडर कलर वाला पसंद नहीं है, वो चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसलूसेंट कोई ऐसा पाउडर मिलना चाहिए जिसका कोई रंग ना छूटे. जैसे जुड़ानी गोल्ड में रंग है, रंग इन द सेंस स्किन का टोन दिखता है आपको. इल्यू स्किन में भी स्किन का टोन दिखता है आपको, लेकिन इल्यूमिनेटिंग पर्ल डेलिकेट ग्लो में आपको कोई टोन नहीं दिखेगा. ये ब्राइटन अप करने के लिए, फ्रेशन अप करने के लिए बहुत ही अच्छा फेस पाउडर है. इसे एज अ हाईलाइट अगर आप अपने फेस पे लगाते हैं ऑन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द फेस, तो ये आपको शिमर लुक नहीं देता, ये आपको हल्का सा ब्राइटनेस लाता है आपके फेस पर. बेसिकली वर्क एज अ ब्राइटनिंग फेस पाउडर. इसे भी अगर आप यूज करते हैं, आप इस डेलिकेट ग्लो पाउडर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. जरूरी नहीं है इसके लिए आपको कोई बेस बनाना है, चाहे वो किसी क्रीम का हो, कंसीलर का हो, क्रीम फाउंडेशन का हो, या फिर नॉर्मल फाउंडेशन का हो. आप इसे डायरेक्ट अपने फेस पे लगाएं, क्योंकि इसका कोई रंग नहीं निकलेगा, लाइक स्किन कोई रंग नहीं छोड़ेगा ये. दिस विल बी अ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट काइंड ऑफ अ इफेक्ट यू विल गेट फ्रॉम दिस पाउडर, फेस पाउडर. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. यहां तक सबको क्लियर है? आई जस्ट से यस और नो. ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, दैट्स ग्रेट, थैंक यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ. I'll take all your questions, okay? So don't worry, I'll go through all the questions at the end. Okay, let's talk about the bronzing pearls. ब्लश ऑन में, हालांकि कैटलॉग में ये नहीं है, बट अगर किसी के पास, किसी की वैनिटी में अभी भी पड़े हुए हैं तो मैं आपको समझा दूं. ब्रॉन्जिंग पर्ल्स ब्लश ऑन की तरह काम करते हैं. नेचुरल रेडियंस और नेचुरल पीच दो तरह के आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर. नेचुरल रेडियंस थोड़ा सा गोल्डनिश इफेक्ट देगा और नेचुरल गोल्डनिश पिंक इफेक्ट देगा, और नेचुरल पीच आपको पीच और पिंक का मिक्स इफेक्ट देगा. तो एक जगह आपको गोल्डन पिंक इफेक्ट आ रहा है और एक जगह आपको पीच और गोल्डन पिंक इफेक्ट आ रहा है. एंड दीज आर हैंडमेड पर्ल्स, ये मशीन मेड नहीं है, हैंडमेड पर्ल्स हैं, जो कि ब्यूटिफुली एक ब्यूटीफुल टेक्सचर के साथ आपके पैन में आपको हमने प्रोवाइड करवाए हैं पर्ल फॉर्म में. एंड बहुत ही नेचुरल, ऐसा लगता है कि आप इनसाइड अंदर से ही आपके चीक्स ग्लो कर रहे हैं. दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट. रोज पेटल ब्लशिंग पर्ल्स भी बीच में आया था, अगर किसी के पास हो तो उनको समझाने के लिए कि इसमें जितने भी पर्ल्स आप देख रहे हैं ये भी हैंडमेड है. इसमें जो एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है, दैट इज वाइट रोज एक्सट्रैक्ट, और इसके जो पर्ल्स हैं ये सारे पिंक फैमिली को बिलोंग करते हैं. इसमें आपको लाइट पिंक, बेबी पिंक, मीडियम पिंक और डार्क पिंक, एंड देन लिटिल बिट पिंकिश पर्पलिश आपको इसमें पर्ल नजर आएंगे, जो कि आपको पिंकी इफेक्ट देने के लिए आपके चीक्स पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये पिंकी इफेक्ट प्रोडक्ट लाता है आपके चीक्स पर, टू गिव यू अ वेरी फुलर एंड लस्ट्रस फिनिश, लस्ट्रस फिनिश के साथ आपके चीक्स को दिखाता है. Alright, so let's move to our next segment, which is mascara. All-in-one iconic mascara. Now, the one mein you have different type of mascaras. Jodhani Gold mein aapko ek mascara milta hai, जो कि लेंथनिंग का भी काम करता है, वॉल्यूम भी देगा, कर्ल भी करेगा, सेपरेट भी करेगा लैशेस को, डिफाइन करेगा आपकी लैशेस, और ये लंबे समय तक फॉर्मूला रहता है. लेट्स टॉक अबाउट दिस मस्कारा नाउ. इसके बारे में कुछ बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट की जो इसमें यूज किया गया है, दैट इज सनफ्लावर सीड एक्सट्रैक्ट, ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्ट, और जो ये वैक्स हमने इसमें यूज की है ये अननेचुरल वैक्स नहीं है, बल्कि नेचुरल वैक्स है जो कि लिया गया है फ्रॉम बेरी एंड राइस. So we have used berry wax and rice wax. इसके अलावा भी बहुत सारी natural waxes हमने इसमें use की हैं. This is the reason जो इसका formula है, बहुत ही luxurious formula है, बहुत ही silky formula है, जो आसानी से glide हो जाता है आपकी lashes के ऊपर. इसके bristles बहुत छोटे हैं, spikes इसके बहुत छोटे हैं, और हल्का हल्का एक दूसरे से दूर हैं, काफी ज्यादा close नहीं है, इसीलिए normal volume देता है, lengthening पे ज्यादा काम करता है और separate करता है. ये हर छोटी tiniest lash को भी cover करेगा. इसके ब्रिसल का डिजाइन
डिजाइन इस तरीके का है, यूनिक ब्रश डिजाइन है इसका, और ये इवन कोट करता है आपकी मीडियम लैशेस पे भी, लेंथी लैशेस पे भी एंड टाइनीस्ट ऑफ द लैशेस पे भी। ये एक वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला है। सो लेट मी नाउ एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन वाटरप्रूफ, नॉन वाटरप्रूफ एंड वाटर रेजिस्टेंट। सो वाटरप्रूफ फॉर्मूला मींस कि आपको मेकअप रिमूवर का यूज करना होगा उस फॉर्मूला को हटाने के लिए, चाहे वो मस्कारा में वाटरप्रूफ मस्कारा है तो आपको आई मेकअप रिमूवर का यूज करना होगा, या फिर आप अपने किचन से कोई ऑलिव ऑयल या फिर बेबी ऑयल या फिर आप कोकोनट ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। आपको इन प्रोडक्ट्स की यू नो ऑयल की मदद से या फिर एक मेकअप रिमूवर की मदद से एक वाटरप्रूफ फॉर्मूला को आप हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन वाटरप्रूफ फॉर्मूला। नॉन वाटरप्रूफ फॉर्मूला पानी लगते ही बहने लगेगा, जैसे ही आंसू आए या पानी लगे आपके लैशेस में एकदम ये ब्लीड होने लगेगा, ये काला काला पानी की तरह उतरने लगेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं, हमारे पास कोई भी नॉन वाटरप्रूफ फॉर्मूला नहीं है, अब हम बात करते हैं हमारा वाटर रेजिस्टेंट फॉर्मूला की, जो कि आइकॉनिक ऑल इन वन मस्कारा है ना। वाटर रेजिस्टेंट का मतलब ये है कि पानी लगने से ना ये बहेगा ना ये स्मज होगा, लेकिन जहां आपने इसको छुआ और रगड़ा अपनी आईज के ऊपर तो ये हल्का सा बीड्स में निकलना स्टार्ट हो जाएगा, काला नहीं करेगा ये आपकी आईज को। आप समझ रहे हैं वाटर रेजिस्टेंट का क्या मतलब है? जब तक छुएंगे नहीं तब तक ये स्मज नहीं होगा, ये बिल्कुल बहेगा नहीं पानी से, ये काला वो जो पानी की तरह नहीं उतरेगा जैसे नॉन वाटर प्रूफ में होता है। बट इसको उतारने के लिए भी आपने मेकअप रिमूवर का ही यूज करना है, बट ये विदाउट आप इसे जब तक छुएंगे नहीं तब तक ये हटेगा नहीं, चाहे पानी भी लगे, आंसू भी आए या कुछ भी हो। ऑलराइट, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटरप्रूफ, नॉन वाटरप्रूफ एंड रेजिस्टेंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज लिप्स। एज यू नो, सो देर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ लिपस्टिक्स वी आर हैविंग। दिस इज आवर लिपस्टिक पोर्टफोलियो ऑफ जोडानी गोल्ड। सो जीजी आइकॉनिक लिपस्टिक एसपीएफ 15 एंड मास्टर क्रिएशन लिपस्टिक एसपीएफ 20। Most of the people ask me that what is the difference? फर्क क्या है दोनों में, कौन सा लें हम? हम iconic लें या master creation लें? तो आज मैं आपको ये clear कर देती हूँ कि ये दोनों में क्या difference है। Now आज से आपको बहुत आसान होगा समझना कि मुझे iconic lipstick लेनी चाहिए या मुझे master creation लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके formula की। Now GG iconic lipstick has a creamy formula। ओके, कभी भी किसी को नहीं बोलना है, गलत नहीं बोलना है और गलत समझाना नहीं है कि ये मैट है। दिस अ क्रीमी फॉर्मूला, एसपीएफ 15 के साथ में है। ये यूवी प्रोटेक्शन भी देगा आपके लिप्स को, हाइड्रेट भी करेगा, इंस्टेंट हाइड्रेशन है, कलर बहुत ज्यादा रिच है इसका। इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किया गया है दैट इज आर्गन ऑयल, ये एंटी एजिंग बेनिफिट के साथ में है। एंटी एजिंग बेनिफिट का ये मतलब हुआ कि आपकी जो लिप्स की लाइंस है उसको स्मूथ करने में ये मदद करती है लिपस्टिक। अब हम बात करते हैं मास्टर क्रिएशन लिपस्टिक की। एसपीएफ इसमें थोड़ा सा बढ़कर है, 5 फैक्टर इसमें ज्यादा है। ये 20 एसपीएफ के साथ में है और ये आपका आपके लिप्स की वाइटलिटी को बूस्ट करता है। ये भी इंस्टेंट हाइड्रेशन देगा बट एज कंपेयर टू जीजी आइकॉनिक ये थोड़ा कम क्रीमी है। ये भी क्रीमी है, जीजी आइकॉनिक ज्यादा क्रीमी है, मास्टर क्रिएशन उससे थोड़ा कम क्रीमी है। इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किया गया है दैट इज बोटानिकल सीरम, जो कि ग्रेप के सीड से निकाला गया है। विटामिन ई की तरह ये काम करता है। विटामिन ई, जैसा कि मैंने आपको समझाया है, जहां आप सुनते हैं दैट मीन्स ये डिस्कलरेशन में, डार्कनेस में, स्पॉट्स में, ब्लेमिशेस को ठीक करने में, फाइट आउट करने में विटामिन ई मदद करता है। दैट मींस मास्टर क्रिएशन की लिपस्टिक, अगर आपके लिप्स के आसपास थोड़ा सा डार्कनेस है तो ये उसको हाइड करने में, ठीक करने में मदद करता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू लिपस्टिक्स। नेक्स्ट आता है हमारा आइकॉनिक लिप एलिक्सर। दिस इज अ लिक्विड लिपस्टिक, बहुत ही आविष्कारी फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, बहुत ही इनोवेटिव फॉर्मूला है। बिकॉज दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड ऑयल टू मैट फॉर्मूला। ऑयल विल यू नो ट्रांसफॉर्म इनटू अ मैट टेक्सचर, एंड ऑयली फॉर्मूला विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ मैट टेक्सचर विद इन जस्ट 1 मिनट।
This has SPF 15. This will give you UV protection as well. This has argan oil as well, which will जो आपके होठों को सूखने नहीं देगा, क्योंकि मार्केट में जितनी भी इस तरह की मैट लिपस्टिक्स हैं जो कि बहुत ही लंबे समय का यू नो क्लेम करती हैं 24 आवर्स स्टे, किस प्रूफ एंड दैट एंड ब्ला 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 प्रूफ, बट दीज आर ऑल केमिकल बेस्ड लिपस्टिक. अगर आप लिपस्टिक वो लगाएंगे और हल्का सा अपने लिप्स को टंग से छुएंगे तो आपको बहुत ही खुरदरा टेक्सचर यू नो फील होगा आपके जीभ के ऊपर. जब आप ऐसी लिपस्टिक्स को उतारते हैं तो मेकअप रिमूवर का भी ज्यादा यूज होता है, आपके कॉटन पैड्स का भी ज्यादा यूज होता है. तो ऐसे केमिकल्स वाले फॉर्मूला, केमिकल्स वाली लिपस्टिक से प्लीज अपने लिप्स को बचाइए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पिगमेंटेशन देते हैं आपकी लिप्स में. आप नेचुरल इंग्रेडिएंट वाली लिपस्टिक का यूज कीजिए, जो कि मैं रेकमेंड करूंगी जुड़ानी गोल्ड आइकॉनिक लिप एलिक्सर लिक्विड लिपस्टिक SPF 15 के साथ में, जो कि बहुत ही लाइट वेट लिपस्टिक है. आपको लगेगा ही नहीं आपने लिप्स पे कुछ लगाया है और ये बिल्कुल स्मूथली अप्लाई होता है. इसको अप्लाई करने का एक राइट प्रोसीजर है. बहुत लोगों को मैंने देखा है, मेरे सामने ही कंसल्टेंट्स ने यूज किया है, या बहुत ऐसे कुछ लोग हैं जो यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट निकाल के पूरे लिप्स पे लगा देते हैं. नहीं, दैट्स नॉट द राइट वे. आपको बहुत कम अमाउंट लेना है अपने ब्रश के ऊपर, और फिर वो जो वॉन्ड है, ब्रश है, वो आपको अपने लिप्स पे लगा यूज करना है प्रोडक्ट को, लेकिन कम अमाउंट के साथ. फिर आपने अपने लिप्स को एक दूसरे के साथ स्मज नहीं करना है, रब नहीं करना है, आपको ऐसे ही छोड़ना है विद इन 30 seconds. फिर आप 30 seconds के बाद सेकेंड कोट लगाइएगा, दैट्स इट. बहुत लोग मुझे कहते हैं कि अरे ये तो उतर जाता है, या लिपस्टिक को कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाए, ये तो कप पे लग जाता है. मैं आपको समझाना चाहती हूँ, अगर क्रीमी लिपस्टिक है तो वो तो उतरेगी उतरेगी, लेकिन अगर मैट लिपस्टिक है, हमारी क्या, पूरी दुनिया में किसी भी कंपनी की मैट लिपस्टिक, अगर आप गर्म चाय पीते हैं, आप कुछ भी हॉट ऑयली खाना खाते हैं, दैट कैन बी एनीथिंग, आपका कोई भी फेवरेट डिश, गुलाब जामुन गरम गरम खा रहे हैं, समोसे गरम गरम खा रहे हैं, सो दिस विल कम आउट इनसाइड, अंदर से थोड़ा थोड़ा ये उतर जाएगा, कोई भी लिपस्टिक इस दुनिया की. ऑल राइट, सो गर्म ऑयल के कॉन्टेक्ट में आकर लिपस्टिक हटती हटती है. अब रही बात क्रीमी लिपस्टिक को आपने किस तरह से मैट लुक में चेंज करना है, तो आपने क्रीमी लिपस्टिक का एक कोट लगाया, पतला टिश्यू पेपर लीजिए, जो फेस के टिश्यूज आते हैं, पुट इट ऑन योर लिप्स, टेक अ कॉटन पैड और यू कैन टेक अ पाउडर पफ एज वेल, यू कैन टेक पाउडर ब्रश एज वेल, थोड़ा सा पाउडर उठाइए, फेस पाउडर, डैब इट ऑन योर यू नो लिप्स. जैसे ही आप अपने लिप्स के ऊपर डैब करते हैं और फिर वो टिश्यू को हटाइए, एंड यू हैव मैट लिपस्टिक रेडी फ्रॉम अ क्रीमी लिपस्टिक. ऑल राइट, सो आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ आया हो. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं. जैसा कि मुझे सब लोग बोलते हैं, क्या हम जुड़ानी गोल्ड कैटेगरी से एक वैनिटी किट बना सकते हैं अपने लिए, क्या हम द वन से कोई वैनिटी किट बना सकते हैं अपने लिए? सो मेरा उन सब के लिए यही रिकमेंडेशन है कि ऑफ कोर्स आप वैनिटी का एक सेट बना सकते हो किसी भी कैटेगरी से, चाहे वो जुड़ानी गोल्ड है या द वन है. ये आपके सामने स्क्रीन पर आपके लिए छोटी सी वैनिटी, बट एट द सेम टाइम हम एक चीज को भी और मद्देनजर रखते हैं, हाईलाइट करते हैं. कोई ऐसी वैनिटी किट बने जुड़ानी गोल्ड से या द वन से जिसमें कि आपके 200 वीपीज पूरे हो जाएं, आप एक लेवल तक भी एक लेवल भी क्रॉस कर लेंगे और आपकी एक मेकअप किट भी तैयार हो जाएगी 200 पॉइंट्स के अंदर, वीपीज के अंदर. तो कैसे आप ये करेंगे हम देखते हैं. आप सबसे पहले प्राइमर लेते हैं, तो प्राइमर का 17 वीपी है. फाउंडेशन में मैं आपको बोलूंगी कि आप SPF 35 CC क्रीम लीजिए और मास्टर क्रिएशन लीजिए, CC का 9 एंड मास्टर क्रिएशन का 25. आप एक फेस पाउडर ले लीजिए, सो शेयर पाउडर मैं रेकमेंड करती हूँ 24. आप इल्यूमिनेटिंग पर्ल्स भी ले सकते हैं, मस्कारा ऑल इन वन 16 के साथ, मास्टर क्रिएशन SPF 20. आप कम से कम दो लिपस्टिक्स तो लेंगे, तो 14 बीपी पर लिपस्टिक है, इंटू 2 28 बीपी हो गया. लिप एलिक्सर लिक्विड लिपस्टिक भी आप कम से कम दो रेकमेंड करेंगे, तो 17 बीपी पर लिपस्टिक है, इंटू 2 34 बीपी हो गया, विच इज इक्वल इंटू 153 बीपी. अभी भी 49 बीपी कम है, पूरे 49 से भी कम मैं कहूंगी, 47 के आसपास बीपी कम है पूरे 200 पॉइंट करने के लिए. सो हम क्या करेंगे, हम मदद लेंगे अपना द वन से. द वन में सबसे पहले आप कंसीलर ऐड कर लीजिए 8 बीपी के साथ, आईलाइनर सबको चाहिए होगा, स्टाइलो ले लीजिए 10 बीपी, ब्राउज को कभी नहीं भूलना आपने,
ब्राउ पेंसिल 9 BP, ब्राउ खारा 8 BP, आप काजल ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं इल्यूमिनेटिंग पर्ल। काजल अगर आप लेते हैं तो आपका बीपी बनता है 6, और अगर आप इल्यूमिनेटिंग पर्ल लेते हैं तो आपका बीपी बनता है 13। एंड इफ यू वॉन्ट, अगर इस जैसे कि इस कैटलॉग में ब्लश ऑन नहीं है, ब्रॉन्जिंग पर्ल्स नहीं है, तो यू कैन एड द वन का मार्बल ब्लेंड ब्रश। सो ये आपका होता है 8 BP और आपके 49 BP पूरे होते हैं, और ये 202 BP के अंदर अंदर या फिर 200 में भी आप अपना पूरा किट बना सकते हैं। थोड़ी सी हेल्प आपको द वन की कैटेगरी से लेनी होगी। सो दिस इज अ मेकअप किट विच यू कैन रेकमेंड टू योर न्यू गेस्ट्स। यू कैन यूज इट फॉर योरसेल्फ, यू कैन क्रिएट इट फॉर योरसेल्फ। 200 BP आर डन easily, you can you know create your network, you can increase numbers, you can increase your network. All right, so this was it. I hope aaj ki ppt se aapko Jodhani Gold ke products ki knowledge puri tarah se mili hai. Aapke liye aaj sab yaad rakhna important nahi hai, jaisa ki main hamesha apni training mein kehti hu. Aapke liye sabse zyada important hai har cheez ko samajhna. Jitna जल्दी समझेंगे, जितना आराम से समझेंगे, जितना बार बार इस तरह की ट्रेनिंग अटेंड करके समझेंगे, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो फिजिकल ट्रेनिंग है, उतना आपके लिए प्रोडक्ट को याद रखना, रेकमेंड करना आगे बहुत आसान हो जाता है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबके साथ कि आप ऑनलाइन की ट्रेनिंग्स में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, फिर चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड हो, वेलनेस से रिलेटेड हो, या फिर वो डिजिटल से रिलेटेड हो, या फिर वो मेकअप से रिलेटेड हो, ताकि आप अपने आप अपने प्रोडक्ट को हमेशा याद रख सकें और अच्छे से रेकमेंड कर सकें। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू टेक ऑल योर क्वेश्चंस। लेट मी टेक द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, समबडी हैज आस्क्ड मी डज इट सूट फॉर सेंसिटिव स्किन। एब्सोल्युटली यस, बट आई एम गोइंग टू टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टार्ट। ओके, I'm just going through the questions. All right. Thank you so much that you like the training. Let me take quickly all the questions. Quickly. All right. There is no question till now. I'm scrolling it down. Okay. It's here something. आप लोग अभी भी भेज रहे हैं तो वापस से ऊपर जा रहा है। जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट टेक योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गीता गुप्ता, यू लाइक्ड इट। साइमा, ओरिफ्लेम हैज इट प्रोडक्शन फर्म्स इन इंडिया, सो द केमिकल्स कैन बी यूज्ड इन इंडिया एंड नॉट इन स्वीडन। साइमा, आई डिडंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। आर यू सेइंग दैट केमिकल्स, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ओरिफ्लेम के, वो हार्मफुल केमिकल फ्री हैं? एब्सोल्युटली हार्मफुल केमिकल फ्री। थैंक यू सो मच। ओके, टिल नाउ आई हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चन। ओके, हियर आर फ्यू क्वेश्चंस। ऑलराइट, थैंक यू। ऑयली स्किन विच फाउंडेशन? ऑयली स्किन जितने भी लोग हैं, रानी, आई वुड रेकमेंड कि ऑयली स्किन के लिए आप द वन की रेंज को यूज कीजिए। द वन इज गुड फॉर ऑयली स्किन। ऑलराइट, ग्रेट इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देर आर वेरी लेस क्वेश्चंस। विच फाउंडेशन इज गुड फॉर ऑयली स्किन? द वन, सरस्वती घोष, द वन की फाउंडेशन बहुत अच्छी। ऑयली स्किन के लिए कौन सा मेकअप प्रोडक्ट रेकमेंड करना चाहिए? द वन रेंज इज वेरी गुड। द वन का आप एवरलास्टिंग फाउंडेशन यूज कर सकते हैं ऑयली स्किन के लिए, एंड ऑल्सो ऑयली स्किन के लिए जुड़ानी गोल्ड का मास्टर क्रिएशन, जो की हर तरह के स्किन टाइप पे जाता है। सारिका मुथा, योर स्टाइल। सारिका, थैंक यू सो मच, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सारिका, होप यू आर सेफ एट होम। इसका काजल लॉन्ग लास्टिंग है। सीमा जैन, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड सीमा जैन, कि इसका काजल लॉन्ग लास्टिंग है। सबसे पहले मैं बताऊं, काजल का लॉन्ग लास्टिंग होना रिलेट करता है आपकी स्किन से। अगर आपकी आईज बहुत ज्यादा ऑयली है, कोई भी लॉन्ग लास्टिंग काजल जो है वो स्मच करेगा। अगर ड्राई है तो लंबा रहेगा। आप काजल को लॉन्ग लास्टिंग बनाना कैसे है? आपने काजल वाटर लाइन में लगाया,
कोई भी आई शेडो उठाइए और आई शेडो को स्मज कीजिए काजल के साथ, लैश लाइन के साथ में, और हल्का सा आप ब्लैक भी ले सकते हैं, ब्राउन भी ले सकते हैं, हल्का सा स्मज करेंगे, उसके बाद आपका कोई भी काजल होगा वो कभी नहीं फैलेगा. हाउ टू यूज द वन कंसीलर. ऑल राइट, सो यू हैव टू यूज दैट कंसीलर अंडर द आईज. ओके, अंडर द आईज आप हल्का सा डैब कीजिए और यूज कीजिए. एंड सांगे नामसा का क्वेश्चन है ये. सांगे नामसा, आपने मेरी कोई भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है लगता है, फिजिकल वाली, बट एनीवेज आपको मैं ऑनलाइन समझा देती हूँ. आपने सिर्फ और सिर्फ अंडर आईज में कंसीलर का यूज करना है. आप थोड़ा सा आईलिड्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, डैब करके रिंग फिंगर के साथ में आपने ब्लेंड करना है, या फिर कोई स्पंज है तो स्पंज के साथ में आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं. Veronica, please provide an insight on how to suggest the color shades of compact for different complexion. So there are basic complexion, which is fair, medium and dark. So always number one foundation, number one concealer and the face powder is always for fair skin tone. Jo second number pe hota hai, that goes with the medium skin tone, and the third one goes with the darker skin tone. Now this is just I'm explaining you very in a very easy and layman way. Okay, now let's talk about concealer. कि कंसीलर को कैसे यूज करना है. कंसीलर का आपका टोन से कोई फेयर है तो वो फेयर कंसीलर यूज करेगा, ऐसा नहीं है. कंसीलर आपने यूज करना है अपने डार्क सर्कल्स को देखकर. यू हैव टू सी योर डार्क सर्कल फर्स्ट, कि आपके कितने डार्क सर्कल्स हैं. अगर आपके डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं तो आप नंबर 3 कंसीलर यूज करेंगे, जो कि येलो बेस कंसीलर है, द वन प्रिसीजन कंसीलर. ये येलो टोन के साथ में और ये डार्कनेस को कट करता है. तो ऐसा नहीं है कि आप फेयर स्किन टोन के हो तो फेयर कंसीलर आपके लिए बना है, नहीं. कंसीलर को चूज करने के लिए अपने डार्क सर्कल्स को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है. अगर डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं, डार्क है, तो नंबर 3 कंसीलर. कम है तो बीच वाला, मीडियम वाला कंसीलर. और बिल्कुल ही नहीं है, हल्का हल्का सा आपका है, तो फिर आप नंबर 1 कंसीलर यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आई थिंक मीनू राय, ओके, प्लीज रिप्लाई योर क्वेश्चन. मीनू राय, व्हाट इज योर क्वेश्चन? आई हैव नॉट सीन योर क्वेश्चन. सीसी के साथ पीच परफेक्ट यूज कर सकते हैं, सोनाली जैन. नो सोनाली, आपने किसी सीसी क्रीम को पीच परफेक्ट के साथ मिक्स नहीं करना है. नो, यूज पीच परफेक्टर, या फिर आप आप यूज कर सकते हैं सीधा सीसी क्रीम. दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, यू विल नॉट गेट अ गुड रिजल्ट. आपको लॉन्ग लास्टिंग नहीं लगेगा वो फॉर्मूला. थैंक यू गौरव एस, आई विल डेफिनेटली शेयर दिस विद यू. थैंक यू सो मच, यू लाइक्ड इट, आई एम ग्लैड. ड्राई स्किन में कौन सा पाउडर यूज कर सकते हैं? उषा बंसल, ड्राई स्किन के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी जुड़ानी गोल्ड का इल्यूमिनेटिंग पर्ल्स. स्वाति, स्किन पर पिंपल्स हो तो कौन सा फाउंडेशन यूज कर सकते हैं? स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं तो मैं आपको 2 फाउंडेशन रेकमेंड करूंगी. स्वाति शिरसट, सबसे पहले आप यूज कर सकते हैं जुड़ानी गोल्ड मास्टर क्रिएशन, या फिर आप यूज कर सकते हैं द वन मिनरल फाउंडेशन. ऑलराइट, सो आई थिंक मोर ऑर लेस सबके क्वेश्चंस सेम ही है. अब मैं आपके सामने आपके साथ स्क्रीन में कुछ पिक्चर शेयर करना चाहती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. दीज आर फ्यू स्वॉचेस आई हैव टेकन, रियल स्वॉचेस, जो कि आपको आसानी से प्रोडक्ट को समझने में मदद करेंगे. सो दिस इज इन फ्रंट ऑफ योर You all right. So listen very carefully. जो इसमें ब्लैक से लिखा हुआ है, इसमें अगर बीपी लिखा है कहीं तो बीपी का एक बार चेक कर लेना आप, क्योंकि ये लास्ट मंथ का पिक्चर मैंने लिया था. सो हो सकता है बीपी इसमें अपडेट ना हुआ हो. सो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मास्टर क्रिएशन लिपस्टिक के शेड्स. एंड अब मास्टर क्रिएशन लिपस्टिक का जो बीपी है दैट इज 17. तो आप अगर पिक्चर क्लिक भी कर रहे हैं तो ये जो लिखा हुआ है इस पे मत जाइएगा, आप अपने कैटलॉग को देखिए एक बार. ये सिर्फ शेड को समझाने के लिए कि मास्टर क्रिएशन लिपस्टिक के ये शेड्स हैं, ब्यूटीफुल शेड्स. यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम ऑरेंजी रेड टू रेड, देर आर सो मेनी पिंक्स, देर आर मरून्स एज वेल. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल लिप शेड्स विद SPF 20.
And I would like to share another thing with you, which is just a second. Let me share. All right. So ये आप सबके लिए आपकी स्क्रीन पर बहुत लोग मुझे no no sorry not this one wait this is the one but ये आपके सामने आ गया तो आप देख सकते हैं the one का makeup pro जो blend है marble blend blush. So, इसका बीपी 8 है आप सबके सामने. ये मार्बल ब्लेंड ब्लश जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड स्पाइस्ड पीच. बीच का कलर इज बर्न्ट टेरिकॉटा एंड द लास्ट कलर इज हेवनली पिंक. ऑलराइट, सो लेट मी शेयर अनदर जीजी का एक स्वॉच. जस्ट गिव मी वन सेकेंड, लेट मी जस्ट. Okay, I'm not able to take that picture. Where is that picture gone? That picture is not there. All right, कोई एक और picture थी जो मैं आपके साथ share करना चाहती थी, but I think वो है नहीं वहाँ पर वो picture. Yeah, it is not there. But I will definitely share that picture with you. आप अपनी अपनी branches से प्लीज ये पिक्चर्स जो मैं हमेशा उनको रियल स्वॉच देती हूँ आप अपनी अपनी ब्रांचेस से ले सकते हैं वो रियल स्वॉचेस की पिक्चर. ऑलराइट, लेट मी टेक मोर ऑफ योर क्वेश्चंस नाउ बिकॉज वी हैव टाइम. सो ओके, ओके मैम आपकी इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर दीजिए. यू कैन टेक माय आईडी बिकॉज आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू. या सो दिस इज मलिका 9, दिस इज माय आईडी MALIKKA9, दिस इज माय इंस्टा आईडी एंड माय फेसबुक इज Monix Bhatt. Why I'm telling you to follow me on Facebook and Insta because now you will see that every day there will be some swatch, real swatch of the product. All right. So real swatch लेने के लिए आप मुझे follow कीजिए. आपको बहुत आसानी से colors समझ आएंगे. Easily आप select कर सकते हैं. पूरा description लिखा होगा. आज से नहीं, कल से आपको दिखेंगी ये सारी pictures. All right. रोज डे क्रीम के बाद लॉन्ग मिनरल फाउंडेशन लगा सकते हैं? एब्सोल्युटली यस लगा सकते हैं भारती. कैन यू रिपीट द आईडी? ऑल राइट, सो आई विल नॉट राइट इट, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. माय एफबी फेसबुक आईडी इज MONIXBHAT मोनिक्स भट्ट. ओके, एंड माय इंस्टा आईडी इज मलिक 9 MALIKKA9. All right, so I can see few people are sending me request. So this is my FB ID and this is my Insta ID. All right, so thank you so much all of you. I hope aaj aapko samajh aaya hoga. आसानी से मुझे लगता है आप आगे भी लोगों को आप समझा सकते हैं हमारे जुड़ानी गोल्ड के प्रोडक्ट्स को लेकर. रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी एंड पीपीटी आप तक पहुंच जाएगी. डोंट वरी, इट जस्ट दैट आपको